अध्याय एक भाषा लिपि और व्याकरण भाषा आज अध्यापिका ने कक्षा में विद्यार्थियों को धन की खोज कहानी पढ़कर सुनाई विद्यार्थियों ने कहानी ध्यानपूर्वक सुनी अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर लिखे तथा अध्यापिका ने उन्हें पढ़कर जांचा बच्चों आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में अध्यापिका और विद्यार्थियों ने अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाई बोलकर सुनकर लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहने के लिए उसे अपने विचारों और भावों का परस्पर आदान प्रदान करना पड़ता है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को परस्पर बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। हेलो, जय कैसे हो मीना मैं बिल्कुल ठीक हूं इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। एक मौखिक भाषा दो लिखित भाषा दूरदर्शन की भाषा मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है और समाचार पत्रों की भाषा लिखित भाषा का रूप होगी भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है लिखित भाषा बाद में विकसित हुई लिपि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं भाषा का लिखित रूप ध्वनि चिह्नों द्वारा बनता है इस प्रकार हम कह सकते हैं मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है वैसे तो प्रत्येक भाषा की लिपि निश्चित है पर कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है भाषा लिपि अंग्रेजी रोमन लिपि हिंदी संस्कृत मराठी देवनागरी लिपि पंजाबी गुरुमुखी लिपि उर्दू फारसी लिपि अब हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का फैशन चल पड़ा है जैसे टूट पड़ो जीतो जंग अंग्रेजी देवनागरी लिपि में डर्टी पिक्चर नई दिल्ली शब्द को विभिन्न लिपियों में नई दिल्ली देवनागरी लिपि नई दिल्ली रोमन लिपि नई दिल्ली गुरु लिपि नई दिल्ली फारसी लिपि समझो विश्व में हजारों भाषाएं प्रचलित हैं जैसे अंग्रेजी चीनी फ्रेंच जर्मन रूसी संस्कृत हिंदी आदि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है एक असमिया, दो बांग्ला तीन बोडो चार डोगरी पांच गुजराती छ हिंदी सात कन्नड़ आठ कश्मीरी नौ कोकड़ी दस मैथिली रहा, मलयालम बारह मणिपुरी तेरह मराठी चौदह नेपाली पंद्रह उड़िया सोलह पंजाबी सत्रह संस्कृत अठारह संथाली, उन्नीस सिंधी बीस तमिल इक्कीस तेलुगु बाईस उर्दू चौदह सितंबर उन्नीस को भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया हिंदी को राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है विशाल भू भाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां है जैसे हरियाणवी खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेली और राजस्थानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड दिल्ली आदि राज्यों की शिक्षा एवं प्रशासन की भाषा हिंदी है बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और पंजाब आदि क्षेत्रों की संपर्क भाषा हिंदी है व्याकरण भाषा एक व्यवस्था है जहां भी कोई व्यवस्था होती है वहां उसके कुछ नियम होते हैं इसीलिए हर भाषा के अपने नियम होते हैं नियमों की इस पूरी व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं व्याकरण के नियमों को सीखने के बाद विद्यार्थी भाषा का शुद्ध प्रयोग समझने लगता है नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए हम कक्षा छ में पढ़ता है मेरी स्कूल बहुत बड़ी है हम सब परिश्रम करता है आप देखते होंगे कि इन सभी वाक्यों में कोई न कोई त्रुटि है इस त्रुटि का ज्ञान व्याकरण कराता है ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए हम कक्षा छ में पढ़ते हैं या मैं कक्षा छ में पढ़ता हूं मेरा स्कूल बहुत बड़ा है हम सब परिश्रम करते हैं जो हमें भाषा के शुद्ध शुद्ध रूप की पहचान कराता है व्याकरण के चार मुख्य भाग है व्याकरण वर्ण व्यवस्था शब्द व्यवस्था पद व्यवस्था वाक्य व्यवस्था एक व्यवस्था, इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा होती है दो शब्द व्यवस्था इसमें शब्दों के स्रोत भेद रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है तीन वाक्य व्यवस्था इसके अंतर्गत वाक्य संरचना वाक्य भेद पदबंध वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का चार पद व्यवस्था अध्ययन किया जाता है अब धीरे धीरे हिंदी भाषा का मानक रूप विकसित हो रहा है इससे एक रूपता बनी रहती है आपने पढ़ा और समझा भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है भाषा के दो रूप है मौखिक और लिखित भाषा का मूल रूप मौखिक है भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है व्याकरण के चार भाग हैं। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था